तो बताइए ये कौन सा प्रैक्टिकल हम कंप्लीट किए अभी? स्मार्ट टीवी पे स्मार्ट टीवी पर किस तरीके से आपको डीवीआर कनेक्ट करके सीसीटीवी कैमरे देखने हैं उस पे। बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाया गया ये प्रैक्टिकल। एक बार मैं यहां पर करके दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले आपने ऐप खोलनी है, जो भी ऐप उस पर्टिकुलर सिस्टम की है। जैसे ये ऐप हमने ओपन किया। ऐप ओपन होने के बाद में आपने यहां क्लिक करना है प्लस के आइकॉन पे, और फिर जो भी डिवाइस आप सेव किए हो उसको क्लिक करके अपने चैनल को टिक करें। इस तरीके से ये वीडियो स्ट्रीम होगा। ये देखिए, फर्स्ट कैमरा, सेकंड कैमरा, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से जितने भी आपके कैमरे हैं उनको आपने ऐड करना है। ये देखिए, ये चार कैमरे सारे जो इस सिस्टम पर थे वो सारे यहां पर मैंने आपको लाइव करके दिखाए। तो ये जो प्रोसीजर है इसमें आपने क्या सीखा कि किस तरीके से स्मार्ट टीवी पर आपको कनेक्ट करना है सीसीटीवी सिस्टम। थोड़ा सा स्टेप्स को रिवाइज करेंगे तो बताएंगे किस तरीके से किया हमने, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फाइल मैनेजर में जाके पेन ड्राइव में हम एपीके फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ओके, वही पेन ड्राइव स्मार्ट टीवी में लगा के एपीके फाइल जो डाउनलोड किए वो स्मार्ट टीवी में डाउनलोड। ठीक है, वेरी गुड। ओके, प्ले स्टोर से भी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करने के बाद उस पर क्या डिटेल फिलअप करनी है? ओके, बताइए थोड़ा सा स्टेप बताइए गुफरान सर। उसको फिर अपने स्क्रीन पे उसको डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर जो हमारा डीवीआर या एनवीआर है उसका आईडी उसमें और सीरियल नंबर डाल के उसको उसमें स्टार्ट करेंगे सर। ओके, परफेक्ट। यानी कि ये जो प्रैक्टिकल था ये किस चीज से रिलेटेड था? स्मार्ट टीवी पर कैसे कनेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड था, जो मैंने आज आपको करके दिखाया था। तो ये स्मार्ट टीवी है हमारी। कोई भी ब्रांड का स्मार्ट टीवी होगा तो सेम यही प्रोसीजर होगा स्मार्ट टीवी पर कनेक्ट करने के लिए। पहले आप ऐप इंस्टॉल करें, फिर ऐप पर जैसे मोबाइल में आप डिटेल भरते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, सीरियल नंबर, ठीक है, वो सारा इनपुट करके ऐप पर इसको लॉग इन करें। वेरी सिंपल। तो क्या ये प्रैक्टिकल सबको समझ में आया? ओके, वेरी गुड।